हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया मोटिव लेकर आई हूँ। ये मैंने एक ट्यूलिप के फ्लावर बनाए हैं। आप चाहे इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, बेड कवर पर, पिलो कवर पर, सूट पर, कहीं पर भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको भी दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐसे शुरू करके हम छोटा छोटा दो दो तीन नंबर पर ऐसे उसके साथ साथ आंका लेंगे और इस ट्रेन को हिलाते जाएंगे। इसके बाद हम यहां से इधर का फ्लावर शुरू करेंगे। उसी टांके से ये टांका हम साथ साथ लेंगे। उसके बाद हम यहां से लेंगे इसके फिलिंग हम इस तरह करेंगे और उसके बाद इसकी जो ये पत्ती है, यहाँ पर हम दो नंबर से इसकी आउटलाइन हम दो नंबर से करेंगे और इसको यहाँ पर यहाँ से जीरो टांके से लाकर इसको भी हम दो नंबर से इसकी आउटलाइन में है दो नंबर से करेंगे। यहां पत्ती तक करेंगे, इस पत्ती की हम अलग करेंगे। इसके बाद इसकी हम यहां से पत्ती की हम आउटलाइन जो है इस ऐसा करने से इसकी पत्तियों की शेप जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। ये जो दूसरा फ्लावर है उसको हम पिंक कलर से करेंगे, उसको इस तरह करेंगे। इसके बाद इसकी दो इसकी जो हम आउटलाइन है दो नंबर से करेंगे और यहां पर इसमें जो हम फ्लावर की पत्तियां हैं, पहले की डायरेक्शन हम इस तरफ लेंगे और दूसरे की डायरेक्शन हम इस तरह लेंगे।
और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हम इस तरह लेंगे। और इसकी आउटलाइन ये भी हम दो नंबर से करेंगे। यहां से पहले हम डंडी के लिए बना लेंगे, इसको हम दो नंबर तीन नंबर से बनाएंगे। पर भी और जो इसकी लंबी डंडियां हैं पत्तियां हैं उसको हम सदर्न स्टिच से बनाएंगे। जीरो से शुरू करके दो तीन चार पांच इसी तरह हम इसकी दूसरी पत्ती भी हम इसी तरह बनाएंगे। ये भी हम जीरो से शुरू करते हैं। और बीच में इसकी हम जीरो टांगे से इसकी पत्ती को डिवाइड करेंगे। ये जीरो टांगे से हम इसकी पत्ती को डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम इन पत्तियों को भी इसी तरह बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं।